नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड इन मोती केयर। आज के मिलियनर मीट सेशन के अंदर आपका वेलकम करता हूं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास गेस्ट आने वाले हैं। उनको इनवाइट करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, उन्होंने अमेरिका जाना होता है, तो एयरपोर्ट पे जाते, वहां तीन जहाज और तीन ही पायलट होते हैं वहां पर। तो पहले पायलट जाते हैं, बोलते हैं मैंने अमेरिका जाना है, मुझे आप ले चलोगे? तो बोलता है सर ले तो चलेंगे, लेकिन पिछली बार जहाज की पूछ को आग लगी थी। तो दोस्तों वो सर नहीं जाते उसके साथ। अगला पायलट होता है, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं भैया मैंने अमेरिका जाना है तो मुझे ले चलोगे अपने साथ? बोलता है जी ले तो चलेंगे, लेकिन पिछली बार बहुत ही टर्बुलेंस हुआ था, तो लेट काफी हो गए थे, लेकिन इस बार टाइम पे पहुंच जाएंगे, आप चल पड़ो हमारे साथ। वो उसके साथ नहीं जाता। थर्ड दोस्तों एक और पायलट होता है, उसके पास चलता वो और बोलता सर मैंने अमेरिका जाना है, आप मुझे ले चलोगे? दोस्तों वो पायलट क्या बोलता है, कैसे रिप्लाई देता है? बोलता सर एक बार आप मेरे साथ चलो और यहां से उड़े अमेरिका पहुंचे, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे पहुंच गए। और अगर एक बार आप अमेरिका मेरे साथ चले गए तो जिंदगी में हर बार अमेरिका मेरे साथ जाया करोगे। तो दोस्तों वो भाई साहब उसके साथ अमेरिका चले जाते हैं। दो तो फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा एक्साइटमेंट के अंदर, जोश के अंदर। अगर दोस्तों जिंदगी में आपने सफलता हासिल करनी है तो जोश एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि जरूर आपके पास होना चाहिए। आज जो दोस्तों कपल बुलाने जा रहे हैं उनको जोश मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एवर स्माइलिंग एवर एक्साइटेड लीडर। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो प्लीज वेलकम आर जोश मशीन मिस्टर विवेक शर्मा एंड मिसेज मोना शर्मा। सो दोस्तों मिलेनियर मीट में विवेक जी और मोना जी का वेलकम करते हैं। सो नमस्कार विवेक जी और मोना जी। नमस्कार जी। सो विवेक जी और मोना जी, आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे हमने, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, वेरी गुड। दोस्तों माई सेल्फ विवेक शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ, वहां पे हमारा छोटा सा टाउन है कलानौर, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों वहां पे हमारा ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है, पेट्रोल पंप है हमारा और कमीशन जेंट का काम है। दोस्तों हम तीन ब्रदर हैं, मेरे फादर साहब डीएफसी डिपार्टमेंट में गजेटेड अफसर रिटायर्ड हुए, और मेरी स्कूलिंग दोस्तों लोकल कलानौर से ही हुई है, और मैंने पोस्ट अपनी ग्रेजुएशन दोस्तों अपने गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर से किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से की। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोना, मेरे फादर साहब एफसीआई में गेस्टेड पोस्ट पे थे, और मेरी जो स्कूलिंग है वो गुरदासपुर से हुई थी, जो कॉलेज वाली एजुकेशन है वो अमृतसर से हुई थी, और ड्यूरिंग कॉलेज मेरी शादी हो गई थी, तो बाकी की जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी की डिग्री जो है अपनी शादी के बाद एजुकेशन कम्प्लीट की। वेरी गुड। सो अब सवालों की तरफ चलते हैं विवेक जी। सो पहला सवाल आपसे, आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो, आपके फैमिली भी बिजनेस बैकग्राउंड से है, आपके पिताजी ट्रेडिशनल अपना काम करते हैं कमीशन एजेंसी का, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे चुन लिया आपने? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट ही मेरी जिंदगी में आ गई। मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की कोई काम से गुरदासपुर गया हुआ था, कोई अपने पेट्रोल पंप का ड्राफ्ट बनाने के लिए, और वहां पे मतलब लाइन में लगा हुआ था ड्राफ्ट बनाने के लिए, कि मेरे दोस्त मिले, वो मतलब बैंक में बहुत देर बाद मिले थे मेरे साथ ग्रेजुएशन, उन्होंने मेरे को लाइन में लगे हुए देखा और उन्होंने बोला कि मैं आपका ड्राफ्ट बना देता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ कहीं चलना है। तो काफी देर बाद मिले तो मैंने सोचा कि ये बंदा मतलब पता नहीं कहाँ लेके जाने वाला है, पर चलो मेरा ड्राफ्ट बना देगा जल्दी से तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने मेरा ड्राफ्ट बनवा दिया और मैं उनके साथ वादा किया था जो, तो किसी के घर में ले गए और यहाँ पे ले गए, वहां पे ऑलरेडी उन्होंने मतलब प्लानिंग कर रखी थी, तो जाते ही उन्होंने मेरा नाम लिया, वेलकम विवेक जी। मैं हैरान रह गया, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं, मतलब मेरे को बिठाया उन्होंने, तो बातचीत शुरू की, वो ऑलरेडी किसी को मतलब बिजनेस प्लान कर रहे थे और वो मेरे लिए तो उस टाइम पे अननोन थे, और मैंने वो बिजनेस प्लान देखा, उन्होंने कहा आप भी बैठो देख सकते हो। जिसको प्लान कर रहे थे वो बिजली बोर्ड में एम्प्लॉय थे, और उन्होंने वो सारा प्लान देखा और वहां पे जो फॉर्म फिल करते हैं, सारा फॉर्म फिल किया और साइन करने होते हैं नीचे,
जब वो साइन करने लगे क्या आप बोलता, नहीं मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताऊंगा। तो मतलब वो कहते ठीक है जी ओके। तो मेरे से उन्होंने पूछ लिया कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जब मैं वो कमरे में एंटर किया था ना, तभी उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि मतलब यहाँ पे 4400 रुपया लगा के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो मेरे को यही बात सुनाई थी और मैंने मतलब सोचा बिजनेस बैकग्राउंड थे, मेरी बैकग्राउंड थी बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैंने सोचा कि ये 4400 रुपए से लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। दोस्तों फार्म किसी और ने भरा लेकिन साइन वहां पे मैंने कर दिए, फ्लूट लगा के उन्होंने मतलब बाद में मतलब मेरा नाम लिखा वहां पे विवेक शर्मा। तो दोस्तों इसी तरह मेरी नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री होगी, जब साइन करके बाहर निकले तो जो मेरे दोस्त थे, मैं नाम बताना चाहता हूँ जो मेरे को लेके आए इस इंडस्ट्री में, मिस्टर निशान सिंह है, वो हमारे यहाँ छोटा सा गांव है वहां से बिलोंग करते हैं। तो वो जब बाहर निकल रहे थे ना वहां से, तो वो दोनों जिन्होंने प्लान किया और वो निशान सिंह आपसे मतलब मिल रहे थे, जप्पियां डाल रहे थे, लो जी एक बंदा फंस गया, मतलब मेरे फंस गया। मैं तो एक्साइटमेंट में मतलब मेरी 4400 रुपया लगता था उस टाइम पे ज्वाइनिंग का, तो 1500 रुपया था मेरी जेब में, वो मैं दे दिया, बाकी मैंने एटीएम से निकाल के दे दिए। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं मतलब एंटर कर गया, लेकिन वो आपस में कोई बातें कर रहे थे, मेरे दिमाग अभी भी वो कान पे बाजे आती है जब उन्होंने कहा भी बंदा फंसा लिया। तो दोस्तों ये फंसे होने का बिजनेस नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने वाली इंडस्ट्री है। दोस्तों इसी तरह मेरा उस इंडस्ट्री में एंट्री हो गई दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर एक बात बताइए, जब पहली बार आपने उसकी जो कंपनी में काम करते थे आप, उसकी को मीटिंग देखी होगी, तो सबसे जो पहला आपने बिग पिक्चर देखा इस इंडस्ट्री का, तो क्या विचार आया आपके मन में इस इंडस्ट्री को लेकर? हाँ वेरी गुड। दोस्तों जब नए नए इस इंडस्ट्री में एंटर किया तो मतलब उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट्स दे दिए, प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे लगे। हमारी नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम पे 2006 की बात है दोस्तों ये, तो मतलब हमारा जो टाउन है वो वहां से 26 किलोमीटर दूर है। तो हमने पहले घर में आके प्रोडक्ट यूज किए तो हमारे को ऐसे लगा कि मतलब मन में आ ही जाता है कि ये प्रोडक्ट मतलब साबुन तेल का काम मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारी यहाँ पे ना एक मीटिंग होती है गुरदासपुर में, वहां पे सिटी पैलेस था, मेरे को आज भी नाम याद है सिटी पैलेस, वहां पे आप आओ। तो हमने नई नई शादी हुई थी, हमने सोचा चलो वीरवार के वीरवार को घूमने चला जाएगा, साथ में मीटिंग देख लेंगे। तो दोस्तों जब एक बार मीटिंग में गए ना, तो मैंने वहां पे जाके देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के बैकग्राउंड वाले लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम करे। तब मेरा विजन खुला कि ये बहुत बड़ा काम है। तो दोस्तों फिर उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली कि ये सीखने वाला है, फिर दोस्तों मैंने सीखना शुरू कर दिया, इस तरह मेरा मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों एंट्री हो। सो विवेक जी अगला क्वेश्चन आपसे सर ये है, आप पहले एक विदेशी कंपनी में काम करते थे, ऐसा क्या हो गया कि आप विदेशी कंपनी छोड़कर स्वदेशी कंपनी मोदीकेयर में आ गए, और ऐसा क्यों किया आपने? दोस्तों मैं काफी वहां पे साल से मेहनत कर रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे वहां पे, और लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये मतलब अपने आप में ही बात आ रही थी मन में कि मेहनत बहुत है वहां पे लेकिन रिवार्ड बहुत कम है। हमको तो पैसे आ रहे थे लेकिन हमारी टीम में जो लोग आ रहे थे वो भी मेहनत कर रहे, लेकिन उनकी मेहनत के मुताबिक वहां पे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मेहनत ज्यादा थी और रिवार्ड कम थे, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पे हम मजबूर हो रहे थे। तो दोस्तों ऐसे ही जिंदगी में मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस लग गए मेरे को, और मैंने जॉब भी थोड़े दिन करनी पड़ी मेरे को अमृतसर में, और कोई अननोन पर्सन मिले, उन्होंने मेरे को मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, और मैंने देखा प्लान में थोड़ा सा बहुत गहराई से डिफरेंस देखा, और वो डिफरेंस इतना बड़ा नजर आया कि एक तो वहां पे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, इधर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल रेट पे थे, मार्केट रेट के बराबर थे, और दूसरा वहां पे जितने भी हम मेहनत करते थे ना वो सांप सीढ़ी वाला खेल था, जो पहले तो आप 100 पे जाते थे 99 पे आते थे और आपको सांप ने डांग लगाया और आप 1 पे आ गए, मतलब हर रोज हर महीने 0 हर महीने 0 ऐसे करते करते मतलब
मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी, लेकिन इधर देखा तो सारा कमुलेट प्लान था, जुड़ जुड़ के होता था, आपका लेवल जीरो नहीं होता था। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो उन्होंने एक अपने सीनियर से ला दिया, वो सीनियर ज्यादा स्मार्ट थे, वो मेरे को अमृतसर से दिल्ली ले गए और दिल्ली उन्होंने मतलब मोदी केयर का हेड ऑफिस मिस्टर समीर मोदी से मिला दिया। और मैंने देखा इतना बड़ा विजन उनका, उनसे मिलके तो मेरी आंखें ही खुल गई। तो मैंने आते आते दिल्ली से वापस आ रहे थे तो मैंने डिसीजन ले लिया कि विवेक शर्मा अब करेगा तो करेगा मोदी केयर ही करेगा, इसलिए दोस्तों मैंने मोदी केयर शुरू कर दिया। वेरी गुड। सो मोना मैम, जब आपको पता चला कि विवेक जी ने इतने साल उस कंपनी में काम किया था पहले जहां पर इतनी सफलता नहीं हो पाई, तो जब इन्होंने दोबारा मोदी केयर में आ गए तो आपका पहला रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली क्या था भैया, जब इन्होंने घर में घर से ये जॉब करने के लिए वहां पे गए थे तो इन्होंने 5-6 दिन ही जॉब किया, तो मेरे को बताया ही नहीं कि इन्होंने कैसे मोदी केयर ज्वाइन किया और कब से काम कर रहे। मेरे को महीना डेढ़ महीना कुछ नहीं पता था। घर में मैं अमृतसर गई थी तो मेरे को मेरे पेरेंट्स से पता चला था कि विवेक जी आजकल कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब हमें मिले तो डॉक्टर साहब ने सारा कुछ मेरे को बताया, तो मैं उनको थोड़ा लिसन करने के लिए तैयार नहीं थी ड्यूटी, तो फिर दोबारा वो उसी हफ्ते में हमें दोबारा मिले तो उन्होंने बोला कि अगर आप काम इस मोदी घर में काम करते हो तो आप 6 महीने के अंदर अंदर 30,000 से 35,000 बना सकते हो। तो वो भैया एक उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला था ना, मैंने कोई प्लान नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जैसी भी उन्होंने विजन की बातें बताई मेरे को सिर्फ एक होप नजर आई थी कि अगर 35,000 बन गया ना तो मुझे जॉब करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जॉब करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था, बस थोड़ी सी कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे एज अ टीचर जॉब करनी पड़ी, तो मैंने अपनी जॉब से छुटकारे के लिए देखा था मोदी केयर को। तो उसके बाद जैसे जैसे हम मोदी केयर को देखते गए, वो तो हमारी लाइफ में क्या बताएं, वहीं से हमारा विजन बना कि ये पूरा माहौल जो है वो मोदी केयरमय हो चुका है, सारा कुछ मजेदार था और लगातार चेंजेस आ रहे। वेरी गुड। सो विवेक जी, मुझे याद है जब आपने शुरुआत की थी मोदी केयर की तो फाइनेंशियली बहुत ही टाइट था आपका सर्कल, तो मुझे पता है आपके पास दो बहुत ही इमोशनल स्टोरीज हैं, एक वो स्टोरी कि आपकी ज्वाइनिंग हुई कैसे और दूसरी वो जब आपके अपलाइन कलानौर में मीटिंग करने आए, और एक स्प्रिंग रोल वाली स्टोरी है वो, प्लीज दोनों स्टोरीज आप जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू सर। तो दोस्तों जॉइनिंग स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मेरे को सारी जिंदगी वो अपनी जॉइनिंग स्टोरी नहीं भूलेगी दोस्तों, वो तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज था उस टाइम पे। मैं दोस्तों जहाँ पे जॉब कर रहा था तो कुछ कंडीशन ही ऐसी हो रखी थी कि मतलब मेरे पास मेरे पापा का दिया हुआ स्कूटर था दोस्तों, और मार्केटिंग लाइन थी वहां पे जब मैं जॉब कर रहा था, तो रोज के मेरे को जितने किलोमीटर मैं अपना स्कूटर चलाता था ना, 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दोस्तों मेरे को वहां पे होते थे। और अभी मैंने स्टार्ट किया था, मार्केटिंग लाइन थी, नई लाइन थी, मेरे को पता ही नहीं था, तो रोज मैं काम करता था, स्कूटर चलाता था, मार्केटिंग करता था और कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो जैसे 30 किलोमीटर कोई एक दिन स्कूटर चलाया तो मेरे 60 रुपए बन गए वहां पे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन थी कहीं मतलब वहां पे स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो मैं वो अपने 60 रुपए लेने के लिए अपने मैनेजर के पास गया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपने कोई लीड नहीं ली लेके आए आज, तो आपको मैं 60 रुपए नहीं दे सकता। तो मैं आ गया, पहला दिन था, कोई मतलब मैंने आंसर नहीं किया, और नेक्स्ट डे फिर उसी तरीके से मैं घर से फिर निकला और मार्केटिंग शुरू की, और करते करते फिर वही 30 किलोमीटर तक स्कूटर चला लिया, उस दिन भी मेरे 60 रुपए बन गए। और मैं शाम को गया 60 रुपए लेने के लिए वहां पे मैनेजर के पास, उन्होंने बोला कि नहीं आज भी आप कोई लीड नहीं लेके आए, मैं आपको 60 रुपए नहीं दे सकता, आप ऑनर से बात करो। तो दोस्तों वो मैं ऑनर से मिलने के लिए वहां पे वेट करने लगा, 6 बजे का टाइम था और उस टाइम पे उसके कंपनी के ऑनर आए वहां पे, तो मैं बात करने के लिए उनके कैबिन में गया अपने 60 रुपए लेने के लिए कि मैंने इतनी 2 दिन हो गए 30-30 किलोमीटर स्कूटर चलाया, मेरे को पैसे नहीं दे रहे मैनेजर साहब, तो प्लीज आप मेरे को देंगे तो नेक्स्ट डे मैं काम करूंगा। तो इतनी मैं देर दोस्तों वहां पे मतलब मेरे मतलब नेक्स्ट टू गॉड दोस्तों अब मैं बोलूंगा उनको, डॉक्टर शक्ति आ गए, मैं नहीं जानता था उस टाइम पे, और डॉक्टर शक्ति ने मतलब मेरे को एक्स कंपनी में हमको जानते थे ऑलरेडी क्योंकि लेवल पे था, और डॉक्टर शक्ति बहुत छोटे लेवल पे, और उन्होंने मेरे को बोला विवेक जी गुड मॉर्निंग। तो मैं डर गया
कि शाम के टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलने वाला बंदा कौन है, मेरे मन में आ गया हाँ ये तो कोई मतलब मेरे को पुराने मेरी बैकग्राउंड जानते हैं। तो मैं तो वहां पे अपने 60 रुपए लेने के चक्कर में खड़ा था और डॉक्टर साहब मेरे को वो मालिक के कैबिन में, एक्चुअली डॉक्टर साहब के उस मालिक से बहुत बढ़िया रिलेशन थे क्योंकि डॉक्टर साहब ने ना उस मालिक के बच्चे के पैर ठीक किए थे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। और डॉक्टर डॉक्टर शक्ति ने मेरे को बोला कि वेग जी आप यहाँ पे कोई गाड़ी पसंद करने आए हो, जे गाड़ी पसंद करने आए हो तो ये मेरे को बताना, ये मेरे दोस्त है बढ़िया डिस्काउंट दिलाएंगे। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो वहां पे अपने 60 रुपये लेने के चक्कर में खड़ा था और डॉक्टर साहब मतलब मेरे को गाड़ी दिलाने के, तो डॉक्टर साहब खींच के मेरे को कैबिन में ले गए और उन्होंने एक चेयर मंगाई, बोला नहीं नहीं दूसरी चेयर ले, आप नहीं जानते ये कौन है। मैं अंदर से डरा के ये मैं हो कह रहा है मेरे साथ, मतलब ये कहीं मेरा भेद ना खुल जाए यहाँ पे। और उन्होंने एक लिमका मंगाई, नहीं डॉक्टर साहब बोले नहीं एक नहीं दो लाओ, आप जानते नहीं ये कौन है। मैं डॉक्टर साहब से हाथ छिड़ाऊ, मेरी बात तो छोड़ो, पता नहीं दोस्तों वो 10 रुपए वाली लिमका की बोतल थी एक ही घूट में सारी मैं पी गया और पी के मैं नीचे आ गया कैबिन के, मतलब ये तो ऐसे काम खराब हो जाएगा। नीचे आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि विवेक जी आपने शायद मेरे को पहचाना नहीं। एक्शन। मैं फिर जल्दी से नीचे आ गया दोस्तों कैबिन के मतलब नीचे खड़ा हो गया आके और डॉक्टर साहब मेरे को मिले वहां पे और उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि शायद विवेक जी आपने मेरे को पहचाना नहीं है। तो एक्चुअली मैंने पहचाना भी नहीं था, मेरे लिए अननोन थे। उन्होंने मेरा उस टाइम पे नंबर ले लिया और बोल रहे कि हम आपको रात को फोन करेंगे। मैं ठीक है जी। तो दोस्तों मैं वापस आ गया वहां से और रात के टाइम कोई 11:30 बजे हुए गए और मेरे को कॉल आती है डॉक्टर साहब की और विवेक जी कहाँ हो। तो मैंने बोला जी मैं इधर फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे हूँ और अपना एड्रेस बता दिया, लोकेशन बता दी और वहां पे वो आ गए। तो आए जब मेरे पास तो दिन में आए थे डॉक्टर साहब बीट गाड़ी पे और रात को ब्लैक कलर की स्कोडा मेरे सामने आ गई। और जब स्कोडा आ गई तो मैं हैरान रह गया, मैं कहा बंदा तो गलत लगता है, मतलब सुबह व्हाइट गाड़ी पे था रात को ब्लैक गाड़ी में आ गया। और ऐसे जब मेरे पास गाड़ी आई और उन्होंने अपना शीशा नीचे किया ना तो अंदर मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को देखा जिनको मैं जानता था। मैंने देख लिया मिस्टर मनीष चोपड़ा अंदर, तो ऑलरेडी वो भी वहां पे मतलब मेरी पुरानी कंपनी में बहुत बढ़िया लेवल पे थे, हम बराबर लेवल पे थे तो उनको मैं जानता। तो फिर मेरा मन थोड़ा सा मतलब शांत हो गया कि नहीं मतलब अब मैं सेफ हाथों में, ये मैं इनको जानता हूँ। और उन्होंने कोई बात नहीं पूछी मेरे को, मतलब खींच के अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं मतलब रात को नाइट सूट में था और उन्होंने अंदर गाड़ी बिठा ली। मैं बोलता रहा मैंने तो घर में भी बताया कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को। उन्होंने कुछ नहीं बताया और भगा के गाड़ी वो लॉरेंस रोड अमृतसर ले गए। वहां पे नया नया पिज्जा हट खुला था, वहां पे बैठ के उन्होंने मेरे को रात को 12 बजे मतलब कॉफी पिलाई। और मैंने मनीष जी से पूछा कि मनीष जी आप आजकल नजर नहीं आ रहे मीटिंग्स में, आप कहाँ पे हो, दोबारा चंडीगढ़ तो नहीं चले गए। तो मनीष जी ने मेरे को बोला कि नहीं विवेक जी बहुत लंबी स्टोरी है, अभी रात बहुत हो गई है और सुबह बताऊंगा। तो जाते जाते मेरे को एक बात इन्होंने बोल दी कि मतलब मैंने मतलब वो एक्स कंपनी को क्विट कर दिया। तो मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई, ये तो हमारे रोल मॉडल थे किसी टाइम पे, हम तो ऐसा बनना चाहते थे। इन्होंने मतलब वो छोड़ दी रात को, मैं वो मेरे को घर वापस छोड़ गए और मैं सो नहीं पाया। और दोस्तों उन्होंने मेरे को बोला था कि कल को बताएंगे। तो दोस्तों अगले दिन नेक्स्ट टाइम लंच टाइम में मैं इनके घर गया दोस्तों, बटाला रोड पे सरीन हॉस्पिटल के पास इनका घर था जहाँ पे ये किराए के घर में रहते थे उस टाइम पे दोस्तों। और मतलब वहां पे दोपहर के टाइम में गया, अपनी स्टोरी मैंने सुनाई और वहां पे हमारे बहुत रिस्पेक्टेड पूजा मैम भी बैठे हमारे साथ, मनीष चोपड़ा भी बैठे। दोस्तों मैं अपनी स्टोरी सुना के मतलब 1 घंटा रोता रहा और 2 घंटा पूजा मैडम मेरे साथ रोते रहे और सारा मतलब वहां पे निचोड़ निकल गया कि क्या मतलब हमारी जिंदगी में हुआ। और उस टाइम उन्होंने मेरे से मतलब इनका पूरा प्रॉपर प्लान बताया, प्रोडक्ट्स की डेमो करके बताई, मतलब सारा डिफरेंस बताया। और मैंने अंदर से डिसीजन कर लिया कि अभी मतलब करना है तो मोदी केयर ही करना है दोस्तों। तो उस नेक्स्ट डे ही मतलब मिस्टर मनीष चोपड़ा मैं थैंक्स करूंगा उनका कि उन्होंने मतलब एक बहुत स्मार्ट वर्क किया। नेक्स्ट डे मतलब 27 मार्च 2015 को मिले थे मेरे को और 28 मार्च को ये मेरे को मतलब दिल्ली ले गए,
मतलब अगले दिन ही सुबह मतलब 4 बजे हम दिल्ली के लिए निकल गए। और दोस्तों वहां पे इन्होंने मतलब मिस्टर अनूप अरोड़ा है हमारे मतलब दिल्ली में, उनके साथ मेरी मीटिंग करवा दी। मतलब ऑफिस में बहुत सारे लोगों से मिले, मतलब मोदी केयर का विजन देखा, प्रोडक्ट्स देखे। तो दोस्तों वापस आते आते मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब जलंधर तक आते आते मैंने मन बना लिया था अब करेगा तो विवेक शर्मा मोदी केयर ही करेगा। दोस्तों इस तरह मेरी जिंदगी में मोदी केयर एंटर कर गया। और बिल्ड करते करते अभी विनीश भैया ने बोला कोई टाइम आता था दोस्तों कॉलेज टाइम से, दोस्तों मैं कार पे मतलब कॉलेज जा रहा था, मतलब शुरू से गाड़ी चला रहा था, लेकिन जिंदगी में इतना भूचाल आया था कि स्कूटर पे बिल्ड करना पड़ रहा था, पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मेरी मीटिंग करने के लिए मनीष भैया मेरे कलानौर आए, मेरे छोटे से कस्बे में, और वहां पे आए, मीटिंग की, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, पहली मीटिंग थी मेरी कलानौर में। और मेरी अपलाइन आए थे मेरे शहर में, तो मैंने मीटिंग बाहर निकले तो मैंने कहा आओ आपको मतलब यहाँ पे स्प्रिंग रोल खिलाते हैं। तो दोस्तों आज भी मेरे को याद है, मतलब वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रिंग रोल खाए और पैसे निश भैया देने लगे, तो मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं नहीं आप मेरे शहर में आए हो तो पैसे मैं दूंगा। तो दोस्तों शायद वहां पे मतलब 80 रुपए बने होंगे, और मतलब मैंने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, तो दोस्तों मेरी जेब में से मतलब 50 रुपए निकले, तो मतलब 30 रुपए डॉक्टर सॉरी मनीष भैया ने डाले। तो हम वो आज भी मेरे को दिन याद है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन दोस्तों एक विजन बन गया था कि अभी बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई है, पीछे मुड़के नहीं देखना, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का मैं विजन देख चुका था। तो दोस्तों मनीष भैया ने स्टेप बाय स्टेप, डॉक्टर शक्ति ने स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सपोर्ट की। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी कि घर से निकला भी नहीं जाता था, लेकिन इनकी सपोर्ट से दोस्तों करते करते मतलब 3 महीने में दोस्तों मैं SCD कार फंड अचीव कर गया, कार फंड अचीव कर गया। और दोस्तों धीरे धीरे करते करते 9 महीने में दोस्तों 9 लाख की ब्लेनो गाड़ी मिल गई। जब गाड़ी मिल गई दोस्तों तो समझ लो मेरे पर निकल गए, फिर तो पीछे मुड़के नहीं देखा। तो टीम में बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे लोग आ गए दोस्तों के आज दिन और कल दिन और काफला बढ़ता गया और आज आपका सामने। थैंक यू, वेरी गुड। सो मैम अगला क्वेश्चन आपसे है, जब विवेक जी का 3 महीने में 50,000 रुपए का चेक आ गया मोदी केयर से, और आपने जब जॉब छोड़ी थी तो तब कैसी फीलिंग आई थी आपको मोदी केयर को लेकर? पता नहीं भैया, भगवान की बड़ी ब्लेसिंग्स थी, वो टाइम ही ऐसा था कि कभी भी बंदा इतनी जल्दी वो डिसीजन ही लेता। मोती केयर में आके हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे ना, 1 महीना इन्होंने काम किया तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो इन्होंने एक बार जस्ट मेरे को बोला कि ऐसे करते हैं कि तू जॉब छोड़ दे, अगर फिर भी तेरे को तेरा मन नहीं हो तो तू नेक्स्ट ईयर फिर से ज्वाइन कर लेना। तो कहते ना जैसे कोई बंदा एज पे बैठा होता है। तो मैंने सुबह ही उठते ही अपने प्रिंसिपल को फोन कर दिया कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगी और आज के बाद आऊंगी। तो पता नहीं वो ये SCD हुए और मैं मीटिंग में गई तो मेरे को बड़ा ही अच्छा माहौल लगा। वो दिन था भैया जब मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे सीखना चाहिए। और तब से भैया मैंने कभी कोई मीटिंग नहीं मिस की, कोई सेमिनार मिस नहीं किया, पूरा हम दोनों ने तब से मिलके ये बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद हर दिन जो है ना लाइफ चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई। तो मैम आप कैसे सपोर्ट करते हो विवेक जी को, आपके बच्चे भी हैं, छोटे 2 बेटी हैं, तो कैसे आप फिर सारा मैनेज करते हो, आप एक फैमिली में रहते हो, पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं? जी भैया, शुरू से मैंने तो क्या कहते हैं ना, मेरी भैया शादी बहुत छोटी एज में हो गई थी, 21 साल की भी मैं अपनी शादी के बाद हुई थी। तो मैंने तो जैसे विवेक जी ने बताया ना कि नेचुरली हमारी लाइफ में नेटवर्क इंडस्ट्री आ गई, मैंने सारा कुछ यहीं से सीखा। मेरे को लगता है कि सारा कुछ हर बंदा कर सकता है, लेडीज को जो मेजर चैलेंज आता है ना वो टाइम मैनेजमेंट का आता है। तो दूसरा, सब लोग ज्यादा बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में ये बिजनेस बिल्ड करना ज्यादा टफ है, और ये रियलिटी है क्योंकि मैं अभी तक जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। मैं मगर मोदी केयर का बताऊं, मेरी जब मैं इस बिजनेस में आई थी 2 महीने की छोटी बेटी थी, तो मैंने तो अब मदरहुड को इंजॉय ही मोदी केयर से किया। अगर मैं जॉब में होती तो मेरे को सुबह जाना ही पड़ता, अपने बच्चे को 4 बजे तक छोड़ना ही पड़ता। मेरे को तो इतना बड़ा बड़ा मौका लगा मोदी केयर में कि मैं 4 बजे तक अपने बच्चे को देख सकती हूँ और शाम को हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और कोई भी टाइम ऐसा नहीं रहा जब हमें दिक्कत आई, बड़ी बेटी थी तो
तो फैमिली पेरेंट्स हम काम करके जाते थे, पेरेंट्स बच्चों को देख लेते थे, तो हमें कभी आज तक दिक्कत आई नहीं। हम दोनों ने मिलके बिजनेस बिल्ड किया, कभी हमें ऐसा इशू नहीं हुआ। बस टाइम मैनेज करो तो सब कुछ हो जाता है। जब भी हम काम फ्री करके फ्री होते हैं तो लोगों को कॉल करते हैं और शाम को लोगों को मिल लेते हैं। वेरी गुड। सो विवेक जी, शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इस बिजनेस के अंदर, और कैसे आप आरबीडी लेवल तक पहुंचे, और कौन सी मोटिवेशन दी जिसने आपको बहुत ही फास्ट ट्रेन किया? दोस्तों, मतलब मैंने नेटवर्किंग का विजन देख लिया था और मेरे को पता था के जो कुछ भी मतलब मिलेगा इस इंडस्ट्री से मिलेगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना दोस्तों, मेरी गाय दोस्तों नेटवर्किंग में गुम हुई थी। मेरे को पता चल गया था कि मेरे को मेरी गाय नेटवर्किंग में ही मिलेगी। मेरे को जब मोदी केयर मिल गया तो मैंने तो ऐसे जैसे डूबते बंदे को वो लकड़ नहीं मिल जाती, मैंने तो ऐसे इसको मतलब दबा के पकड़ लिया कि अब नहीं छोड़ना अब, क्योंकि ड्रीम बहुत देख लिए थे और ड्रीम पूरे करने के लिए वो ट्रैक भी मिल चुका था। और धीरे धीरे दोस्तों सीखते गए। शुरू से मैंने एक्साइटमेंट में ही बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों। मतलब जब आप एक्साइटेड होते हैं ना तो आपके काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शुरू शुरू में दोस्तों मेरे पास स्कूटर था और अपने गाँव से बाहर निकल के मतलब गुरदासपुर, बटाले, अमृतसर, पठानकोट, मैंने बहुत ट्रैवल किया 9 महीने। बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्कूटर भी ऐसा था क्या बताऊं, डॉक्टर साहब मेरे स्कूटर को अच्छी तरह जानते थे। मतलब कभी गड्ढे में मतलब लग जाए तो उसके प्लग की तार निकल जाती थी और फिर मेरे को स्टैंड लगा के मतलब वो प्लग की तार लगानी पड़ती थी, फिर शील्ड लगाओ, फिर किक मारो, मतलब फिर बिजनेस बिल्ड करो दोस्तों। लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, क्योंकि पता चल गया था के एक बार की हुई मेहनत राइट ट्रैक पे आपको बहुत बड़ा विजन देके जाएगी। दूसरा चैलेंज दोस्तों उस टाइम पे ऐसा था कि जो हमारा अमृतसर अभी लाइफस्टाइल सेंटर बना था, उस टाइम पे ऑफिस भी नहीं था। ऑफिस क्या मतलब डीपी स्टोर भी नहीं थे, सारा सामान दोस्तों लुधियाने से आता था। मां हरविंदर जी हैं, मतलब वो हम यहाँ पे अकाउंट में पैसे जमा करवाने, वो स्लिप की फोटो खींच के उनको भेजनी और उन्होंने पैक करना सामान, यहाँ पे हमने मतलब पैसे जमा करवा के वो अपने बताना कि हमने पैसे जमा कर दिए, उन्होंने पैक करके भेज देना दोस्तों। 4 दिन बाद कोरियर मतलब हमारे या मेरे शहर में तो दोस्तों कोरियर भी नहीं आता था। 26 किलोमीटर बटाला और 26 किलोमीटर गुरदासपुर, और वहां पे कोरियर आना, वहां पे मैंने स्कूटर पे कोरियर के शॉप पे जाके अपने डब्बे रखने, और क्या बताऊं दोस्तों वो सीन आज भी याद है। मतलब मेरे स्कूटर के मतलब आगे भी मैंने डब्बे रख लेने, पीछे भी डब्बे बांध लेने, और कोरियर वालों ने मेरे को स्कूटर पे बिठाना और धक्का मार के मेरे को मतलब मेरा स्टैंड उतारना, और मैंने दोस्तों कलानौर तक आके अपना स्कूटर नहीं रोकना, फिर रास्ते में रोक दिया तो मेरे को धक्का कौन लगाएगा। और रात को आके वहां पे सामान उतारना, एक शॉप थी हमारी वहां पे सामान सारा रखना, तो हरिंदर जी ने सामान मिक्स करके भेज देना, हमने अलग अलग पैक करना सामान सभी का और लोगों के घर में पहचाना, और 2-4 दिन लेट हो जाना तो लोग हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे, आप तो 2-4 दिन लेट आए हो, हमने तो बाजार से सामान मंगा लिया। मतलब ऐसे छोटे छोटे चैलेंज थे, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। विजन बड़ा था कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम सही, आप हमने आज आप कैंसिल कर दो, आप अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तो ये सामान आपको हम देंगे। तो ऐसे इतनी टफ सिचुएशन में दोस्तों हमने बिजनेस बिल्ड किया। उस टाइम पे बहुत टफ थी सिचुएशन, लेकिन पीछे मुड़के नहीं देखा, क्योंकि एक्साइटेड थे, सपने बड़े थे दोस्तों, सपने बड़े थे, देख लिए थे और रास्ता बढ़िया मिल गया था। करते करते दोस्तों ये सफर ऐसे निकल गया, मतलब ये पता भी नहीं चला ये 5 साल कैसे निकल गए, और आज के आपके सामने एज ए आरबीडी हूँ दोस्तों। थैंक यू। वेरी गुड। सो मैम, आप लेडीज की टीम के साथ कैसे काम करते हो, कैसे आप पूरा प्लान करते हो और कैसे वर्किंग करते हो आप उनके साथ? ऐसे कि जब भी विवेक जी कहीं पे जाते हैं, किसी भी फैमिली को प्लान करते हैं, तो आके हमारी ऐसे बात होती है। अगर पर्सनली लेडीज के साथ मैं कांटेक्ट करती हूँ, उनके साथ मैं खुद काम कर लेती हूँ, अगर ग्रुप में ओवरऑल देखूं तो उनके साथ बात करके हम जो भी हमारी मीटिंग्स है, जो भी हमारा टाइम सेट करके, जो भी हमारी पर्सनल गाइडलाइंस होती है उनको बता के, तो एक साथ लेके चलते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है मोदी केयर एक ऐसी चीज है, जब हम जॉब करते हैं तो लोग सिर्फ पैसा बनाते हैं, एक मोदी केयर ऐसा है कि जो एक लेडी को उसकी लाइफ में पर्सनल आइडेंटिटी देता है। और आज मुझे मोदी केयर की वजह से लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरी अलग से एक पहचान है, और ये इसने हमें बहुत रिवार्ड दिए और सभी को दिए। पहले मुझे ये लगता था कि जो लोग लेडीज गवर्नमेंट जॉब में होती है, गस्टर्ड पोस्ट में होती है, तो वो बहुत खुश होती होंगी। इस बिजनेस में आके मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मिलते थे, लोगों की
कोई बैंकर थी, कोई टीचर थी, कोई डॉक्टर थी, उनकी लाइफ में अगर पैसा था तो और बहुत सारे गैप थे। उनका ड्रीम था जब वो हमारी मीटिंग में आती थी कि हमारा मन है कि हम आप लोग जैसे बन सके। तो दोस्तों ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इतने सक्सेसफुल लोग भी हमारे जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें भगवान ने जो मौका दिया है हम उसको कैसे चूकने देते। तो मैं तो हर लेडी को यही होप देती हूँ कि ये आपकी लाइफ में एक वरदान है, इसको बिल्ड कीजिए, आप अपने खानदान की पहली अमीर औरत बनेंगी। वेरी गुड। सो मोना मैम एक और सवाल आपसे, जैसे कि बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छी होम टीम होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी हस्बैंड वाइफ की होम टीम स्ट्रांग होगी तो उससे बिजनेस की स्पीड और बढ़ जाती है। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? बिल्कुल भैया, ये एक बेसिक चीज है, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज के लिए कोई नींव जरूरी है। अगर हमारे हस्बैंड वाइफ के, हमारी फैमिली के जो कहते हैं ट्यूनिंग स्ट्रांग है ना, तो फिर ही हम ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तब तक हमारी फैमिली में कभी ऐसी नेटवर्किंग की ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक हमारी आपस में ट्यूनिंग नहीं है, हमारी फैमिली में ट्यूनिंग नहीं है। बेशक मुझे नहीं पता था विवेक जी ने महीना एक मेरे को नहीं बताया कि हमने स्टार्ट किया, बट हमारा बिजनेस तभी स्टार्ट हुआ जब मुझे पता चला, जब हम दोनों ने डिसीजन कर लिया तब हम भैया अपने बिजनेस के लिए हर सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो ये अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप ये चीजें कर सकते हैं। वेरी गुड। सो अगला क्वेश्चन विवेक जी आपसे है, अभी तक की जर्नी के अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट आप ले चुके हो मोदीगर से? वेरी गुड। दोस्तों सबसे पहली अचीवमेंट तो यही है कि मेरी जिंदगी में मोदी केयर आ गया। मतलब मोदी केयर तो दोस्तों अच्छे कर्मों का फल है। मतलब हमने मोती दान किए थे दोस्तों, मोती दान किए थे हमने कि शिव बाबा की कृपा से हमारी जिंदगी में 29 मार्च 2015 को मोदी केयर आ गया। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। बाकी तो दोस्तों एक पार्ट है, अभी इसमें से 9 महीने में मतलब मेरे को 9 लाख की ब्लेनो गाड़ी मिल गई। अभी दोस्तों ये लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो लेकिन अब तक हमने मतलब अपनी सेकंड गाड़ी मतलब डिसाइड कर रखी थी वो ले लेनी थी, अभी लॉकडाउन के वजह से वो थोड़ा डिले कर दिया। अभी थोड़े दिनों तक हम वो प्लान करके नेक्स्ट गाड़ी लेने जा रहे हैं। और दोस्तों मतलब लाखों रुपए इनकम आई है 5 साल में मोदी केयर से, और एक पैसिव इनकम का एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर दोस्तों मतलब पहले तो मैंने लास्ट ईयर चंडीगढ़ में एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात बन गए, मेरे बच्चों ने मतलब मेरे को बोला कि इतनी दूर नहीं हम जाके रह सकते, हम पास में रहना चाहेंगे। और हमने अभी मतलब नेक्स्ट ईयर अमृतसर में अपना बहुत बड़ा घर लेने का डिसाइड कर लिया है, मन बना लिया है, उसके लिए प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, नेक्स्ट ईयर 2021 में हम अमृतसर में बहुत बढ़िया घर ले रहे हैं। और अचीवमेंट बताऊं तो मेरी टीम इतनी बढ़िया है, आई हैव सो ब्लेस्ड, मैं बता नहीं सकता। मेरी टीम में इतने हीरे आ गए, मतलब मैं तो हीरा हूं, मेरी टीम में कोहे नूर है, मेरी टीम में कोहे नूर है, इतने सक्सेसफुल लोग हैं मेरी टीम में आ गए दोस्तों। उन्होंने भी बड़ी पैशन के साथ किया, बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन दोस्तों एक से एक बढ़कर एक उन सभी की दोस्तों मतलब मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त हैं जो लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्तों, वो अपने आप को फाइनेंशियली मतलब फ्री महसूस कर रहे हैं। जब उनके फेस में वो सुकून देखता हूँ ना दोस्तों, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो पैसों से नहीं तुली जा सकती। बहुत सारे दोस्त जैसे मेरी कंडीशन थी वैसे थे, लेकिन आज वो इतने कंफर्टेबल हैं, इतने बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जब उनको की फेसबुक के फोटो देखते हैं, उनको मीटिंगें करते हैं देखते हैं, तो मन में सुकून आता है दोस्तों, इस चीज को पैसों से नहीं तुला जाता। तो वैसे विजन की बात करूं या अचीवमेंट की बात करूं, डॉक्टर श्रेखा भार्गव मतलब हमारे सामने एग्जांपल, डॉक्टर श्रेखा भार्गव तो मतलब 75 लाख रुपए बना रहे हैं दोस्तों। हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी डॉक्टर शक्ति, जिन्होंने मतलब सब कुछ आंखों सामने चेंज हुआ, आज वो मतलब 5 लाख रुपए तक इनकम बना रहे हैं। और उनसे ऊपर मतलब हमारे दिलों की धड़कन मिस्टर मनीष चोपड़ा, जिन्हों को मैंने मतलब बाइक पे देखा था, किराए के घर पे देखा था, आज दोस्तों मतलब मोदी केयर से 4-4 गाड़ियां, मतलब होली सिटी जहां पे सेलिब्रिटी रहते हैं दोस्तों वहां पे बंगला, ये कोई छोटी अचीवमेंट है? ये सारी अचीवमेंट दोस्तों मेरी अचीवमेंट है, नो डाउट अपलैन की है, लेकिन मेरी है, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है दोस्तों। मनीष भैया का जो आज है ना, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी अचीवमेंट है। अभी तो मतलब काफिला शुरू हुआ है, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारे समीर मोदी मतलब बोलते हैं हमारे गॉडफादर के, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही बात है दोस्तों, अभी जो दोस्त नए शुरू कर रहे हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं आपको थैंक यू। वेरी गुड। तो विवेक जी और मोना जी,
वैसे तो आपने काफी फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हो मोदी केयर से, लेकिन मुझे पता है रॉयल कैरेबियन क्रूज का ट्रिप आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया ट्रिप था। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो ऑडियंस है उनके साथ कुछ बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी मेमोरीज आप जरूर शेयर कीजिए। पहले मुना मैडम ग्रेट दोस्तों, वो पुरानी कंपनी में पासपोर्ट बना लिया था लेकिन ठप्पा कोई नहीं लगा था मतलब वो ऐसे ही चला जाना था दोस्तों, मतलब वो रिन्यू कराते रह गए, लेकिन वहां पे दोस्तों पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगा। लेकिन थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर शक्ति मनीष चोपड़ा, जिनकी वजह से दोस्तों मोदी केयर में 5 साल में दोस्तों 5 टूर ले लिए। अभी तो ये कोरोना की वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो मलेशिया भी जाना था, अभी वो कुआलालंपुर भी जाना था, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रिप थे जो प्लान कर रखे थे। लेकिन सबसे बढ़िया ट्रिप मतलब जो मैंने लिया, मतलब पहले तो बैंकॉक गए, वो कंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत एंजॉय किया वहां पे, और उसके बाद दुबई गए दोस्तों, दुबई भी इतना बढ़िया है कि आई हैव नो वर्ड्स। पहले अभी तक मतलब मैंने तो वहां पे अपना कैमरा मोबाइल नहीं छोड़ा दोस्तों, सबसे ज्यादा फोटो मतलब लाइव सेशन मैंने ही लोगों को दिखाए, मैं तो दुबई में था, लेकिन इंटरनेशनल पैक लेकर मैंने सभी लोगों को दुबई दिखा दिया दोस्तों, इतना मजा आया। और वो अभी आए थे तो आपने जो क्रूज का टूर वो क्वालिफाई हो गया, मतलब क्रूज तो दोस्तों क्या बताऊं, मतलब समुन्द्र में 7 मंजिल वाला जहाज, मैं सॉरी 13 मंजिल थे शायद, 13-14 मंजिल थे, और मतलब पूरे का पूरा गांव ही लेके वो पानी में मतलब चल रहा था, मतलब छड़क में भी दोस्तों आपको वो क्या बोलते हैं पंजाबी में ठेडा लग सकता है लेकिन मतलब वो जहाज में दोस्तों कैरेबियन क्रूज में झटका नहीं लगा, मतलब इतना बढ़िया था, आई हैव नो वर्ड्स। लग्जरी लाइफ दोस्तों, जैसे सेलिब्रिटी की लाइफ नहीं होती वैसी लाइफ, मतलब बड़ी बड़ी लिफ्टें अंदर चल रही, हम तो देखते थे अंदर कसीनो, मतलब पता नहीं क्या बात है, सो नहीं पा रहे थे, मतलब सारा दिन वहां पे रेस्टोरेंट में मतलब 24 घंटे खुला रहता, और मैं और मिस्टर अनंत चोपड़ा मेरे साथ थे, हम रात को 2:30-2:30 बजे मतलब वहां पे पीजे खा के आए, इतने बढ़िया वहां से हमको पीजे की लत लग गई मतलब पहले कभी पीजा नहीं खाया था, लेकिन क्रूज ने हमको पीजा खिलाना सिखा दिया, इतना बड़ा और बहुत ही ज्यादा एंजॉय, आई हैव नो वर्ड्स। मोदी केयर में इतनी बढ़िया लाइफ मिल सकती है ना दोस्तों, सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्राइस पे करना पड़ेगा, एक बार प्राइस पे करोगे और सारी जिंदगी इसका रिवार्ड मिलेगा, काम करो एक बार पैसा आएगा बार बार, ऐसा मोदी केयर का बिजनेस प्लान है दोस्तों। थैंक यू समीर मोदी जिन्होंने आजादी मिशन चला रखा है हमारे लिए, तो ओवर टू मुना मैडम। मैं तो यह शुरुआत इस बात से करूंगी कि हमें तो जब हमने वो ट्रिप क्वालिफाई किया ना, तो जब बताते थे कि ऐसे रॉयल कैरेबियन हम क्रूज पे जा रहे हैं, तो जब हम मतलब पढ़े लिखे लोगों के सामने ये नाम ही लेते थे ना, जो लोग थोड़ा सा इंटरनेशनली ट्रेवल करते थे, तो वो लोग थोड़ा हिल सा जाते थे कि आपको इतनी बड़ी जगह पे कौन लेके जा रहा है, तो हमें भी लगता नहीं था कि सच में वो इतनी बड़ी जगह होगी, ये तो जाके ही आप एहसास कर सकते हो, किसी के मुंह से बताने की फीलिंग्स और है और जाके एंजॉय करने की और है, तो सच में भैया वो जीते जी स्वर्ग देखने वाली बात है। मैंने और विवेक जी ने जब हम फर्स्ट डे क्रूज पे गए थे, तो उसकी जो 14th फ्लोर है वहां पे बैठ के मैंने विवेक जी का हाथ पकड़ के एक बात इनको बोली थी कि थैंक यू विवेक शर्मा, हम दोनों ने 4 साल किसी की बात नहीं सुनी, अगर हम किसी की सलाह ले लेते ना तो आज हम लोग क्रूज पे नहीं होते। तो मैं यही कहूंगी दोस्तों, आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें करके, आपके मुंह में शहद डाल के आपके सपने चुराने वाले बहुत मिलेंगे, किसी की बातों में मत आइए। अगर हमें सच में कुछ जिंदगी में बनना है, कुछ बढ़ना है, तो उन्हीं लोगों से सलाह लो जो इस बिजनेस में कामयाब है। वेरी गुड। तो ये सच में जीते जी स्वर्ग जैसे, क्योंकि मैं जिस फैमिली में आई थी ना, बिजनेसमैन थे मेरे हस्बैंड, तो हमारे घर से खाली 70-80 किलोमीटर डलहौजी है, तो हम जब से हमारी शादी हो गया है ना, तब से बोले कि डलहौजी ले जाओ, तो ये पता कब कैसी बातें करते हैं, ये पास ही तो है, इसका क्या देखना। तो दोस्तों 18 साल में हम डलहौजी नहीं जा पाए, तो आप सोचो कि 4 साल में हमने इतनी जगह घूमी। जब मैं पहले साल आई थी मोदी केयर में, पहले साल मेरा 4th ट्रिप था नैनीताल में, तो उसके बाद मैंने विवेक जी को बोला था कि आज के बाद हम नैनीताल नहीं जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से नैनीताल दे दिए। तो दोस्तों ये सच में जिंदगी इंजॉय करने वाला बिजनेस है, हम लोग तो ऐसे मैले कुचाले हो रहे हैं बार फिर काम करके,
ये एक ऐसा काम है जिसको 4-5 साल कीजिए, सारी जिंदगी एंजॉय कीजिए। दोस्तों मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे गूंगा बंदा गुड़ का स्वाद नहीं ना बता सकता, ऐसे हमारा हाल आता है दोस्तों, मतलब वो अंदर गुड़ गया और गूंगे को ही पता है कि उसका क्या स्वाद है, ऐसा है मोदी का दोस्तों हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष जी। सो मोना मैम, विवेक जी आपको एज ए बिजनेसमैन पसंद थे या एज ए नेटवर्कर पसंद है, और वो भी मोदी केयर में? मेरे को सिर्फ सिर्फ विवेक शर्मा एज अ नेटवर्कर ही पसंद है। क्योंकि भैया जब से मैंने विवेक जी को देखा ना, मैं 19 साल की थी जब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने इनको बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जेटिक उड़ते ही देखा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना शांतमय कभी ऐसा नहीं देखा था कि ये ऐसा कुछ होगा, बड़ी बड़ी बातें। तो जब हमारी शादी होके आई तो चैप्टर बिल्कुल उल्टा था, है ना। आप लॉरेंस रोड में घूमो, बीबी के डीएवी कॉलेज में पढ़ते, तो वो लड़की शादी करके जब गांव में आती है तो फिर मेरे को लगता था जो बंदा मेरे को मिलने आता था वो कोई और है, जिसके घर में शादी करके आई वो कोई और है, है ना। बिजनेसमैन की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट है, खाली हम पैसा नहीं बनाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आज के दिन भी हम जितने भी नेटवर्कर हैं, जहाँ हमारे जेंट्स हैं, इनको आज भी उतना ही शौक है तैयार होने का जितना ये कुंवारे होते थे ना, जितना सज के तब जाते थे ना, आज भी उतनी एक्साइटमेंट है। हमें अच्छा दिखना, हमें अच्छा बोलना है, हमें अच्छा सीखना है ना। इतनी डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है, वहां पे तो ये कि हम यहाँ पे सेट हो गए, हमें यहीं पे सारी जिंदगी रहना, बस यहीं पे जिंदगी खत्म हो जाती है। वेरी गुड। सो विवेक जी, हमें ऐसा नेटवर्कर ही पसंद नहीं। वेरी गुड। सो विवेक जी, आप मुझे याद है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे आपकी लाइफ में और मोदीगर आया, आप तब भी बड़े एक्साइटेड रहते थे, हालांकि जेब में पैसा कोई भी नहीं होता था, फिर भी आप हवा में उड़ते फिरते थे, और इतना जोश आपके अंदर कहां से आता है, और आपको लोग इवन के जोश मशीन भी बोलते हैं, तो इसका क्या राज क्या? एक्चुअली सही बात है भैया, मतलब मैंने नेटवर्किंग का विजन देख लिया था कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब एक्स कंपनी में मेरे को ना, मतलब 2006 में एक बहुत बड़ा फंक्शन देखने का मिला, मौका था रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद, दोस्तों 7 दिन लगातार फंक्शन चला था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ 2007 में। दोस्तों मैं 25,000 की टिकट खर्च के बाई ईयर गया और वो 7 दिन फंक्शन अटेंड करने के लिए, मतलब मैंने देख लिया था दोस्तों कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चाहे किसी को समझ आए ना आए, लेकिन एक बार कोई इसमें लग के मेहनत कर देना तो इसका मतलब रिवार्ड सारी जिंदगी उसकी पीढ़ियों को मिलता रहता है। तब से ही दोस्तों मैं एक्साइटमेंट में, मतलब मैंने वो एक्स कंपनी में भी काम किया, वहां पे भी सारी, चाहे कुछ भी हो गया दोस्तों जिंदगी में, सब कुछ लुट फट गया, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई, ये तो गॉड गिफ्ट ही मैं समझूंगा दोस्तों। और अच्छे कर्म किए थे और मोदी केयर आ गया, मोदी केयर में दोस्तों इतनी एक्साइटमेंट रही, मतलब फास्ट काम करना शुरू किया, फास्ट काम एक्साइटमेंट के साथ ही होता है, जब आप एक्साइटमेंट में काम करते हो तो दोस्तों पता भी नहीं चलता कैसे आपके ये लेवल पूरे हो जाते हैं दोस्तों। मतलब एक्साइटमेंट मैंने मैं शुरू किया, पहले महीने का चेक मेरा 35,000 का आया था, 3 महीने में दोस्तों एसईडी क्लियर कर गया, और 9 महीने में दोस्तों 9 लाख की ब्लेनो गाड़ी आ गई। आज भी मेरे को याद है जब मनीष भैया ने वो फंक्शन किया था, मतलब पंजाब में पहला वो कार अचीवर का फंक्शन था, आज भी मेरे पास वो वीडियो है, मैं देख के मतलब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ अंदर से, वो इतना बड़ा फंक्शन हो गया दोस्तों। वैसे तो मैं बताऊं ये एक्चुअली बिजनेस एक्साइटमेंट का है, चाहे आप 7% से शुरू करके जीबीडी चल जाओ, जीबीडी जाने के बाद आपकी टीमें हजारों जीबीडी हो जाएं, आपकी जब ये एक्साइटमेंट रहेगी ना दोस्तों तो सारी जिंदगी आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊं मतलब एक बात मैं भूल गया बताना, चैलेंज बहुत आए मेरे को, मतलब बिल्ड करते कुत्ते, और जब शुरू शुरू में जैसे वो बरसाती डड्डू बहुत सारी कंपनियां आती है ना दोस्तों, मतलब मोदी केयर में भी ऐसे 2-4 झटके हमको लगे बहुत बड़े, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत बड़ी लेगे थी हमारी उस टाइम पे, मतलब 8-8, 10-10, 12-12 लाख वाली लेगे दोस्तों डिस्टर्ब हो गई, लोग मतलब दूसरी कंपनियों के प्रलोभन में आके मतलब हमको छोड़ के गए, लेकिन हमने पीछे नहीं हटे, हमने एक बार ठान लिया था कि अब मोदी केयर हाथ में आया है, मोदी केयर से ही सब कुछ लेंगे, और दोस्तों वाकई परमात्मा ने वो हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स पूरे कर दिए। थैंक्स अपलाइंस, थैंक्स डाउनलाइंस, थैंक्स सभी क्रॉस लाइन जिनकी वजह से ये माहौल बन रखा और हमने अपनी एक्साइटमेंट को नहीं छोड़ा, और दोस्तों आज
इस कोरोना टाइम में भी पैसिव इनकम का एंजॉय कर रहे हैं, जहां पे लोगों की जॉब्स डिस्टर्ब हो रखी हैं, लोगों के बिजनेस बड़े बड़े मॉल डिस्टर्ब हो रखे हैं दोस्तों, लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस, मोदी केयर बिजनेस दोस्तों आगे से ज्यादा स्पीड से भाग रहा है दोस्तों। थैंक यू, हम मोदी केयर में हैं। थैंक्स फॉर वेरी गुड। सो मोना मैम, लास्ट पे आपसे एक सवाल है, आप नारी शक्ति को क्या मैसेज देना चाहोगे? नारी शक्ति को, भैया ये बिजनेस जो है ना वरदान है, मैंने आपको अपनी पहले भी बात में बताया कि ये मोदी केयर ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक आइडेंटिटी देता है। और मैंने इस बिजनेस में आके देखा कि लेडीज के कितने कितने बड़े बिजनेस है, और लेडीज खाली पैसा ही नहीं बनाती, उनकी पूरी जो लाइफ है वो भी बड़ी मजेदार है। ऐसे दोस्त जो लोग देखे मैंने बाहर भी, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, जॉब जाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, घूम नहीं पाते, अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाते, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ लेडी अपने घर को भी देख सकती है, अपने बिजनेस को भी देख सकती है, और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकती है। क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसको हमने सारी जिंदगी दे देनी है, 2-4 साल में अपना जीबीडी का सिलेबस खत्म करो और सारी जिंदगी एंजॉय करो। आज लोग जाते हैं सुबह जॉब्स पे और हम लोग अपने बच्चों को एंजॉय करते हैं। मेरी तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इसमें ये है कि अगर मैं जॉब पे जाती तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मुझे उसको 7 बजे सुबह उठा के नहला के जाना पड़ता था, तो मदरहुड का जो एंजॉयमेंट मैंने किया वो भी ड्यू टू मोदी केयर ही किया, क्योंकि मेरा बच्चा 9 बजे तक सोए, 10 बजे तक सोए, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं फुल टाइम मदर हूँ 4 बजे तक, 4 बजे के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो यही कहूंगी, लेडीज के लिए वरदान है, कभी भी अगर आपको नहीं भी आता अपनी अपलाइन से सीखिए, पर ये बिजनेस जरूर बिल्ड कीजिए। वेरी गुड। सो विवेक जी, आप जाते जाते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे उनकी स्पीड और बढ़ जाए? अच्छा, वेरी गुड। दोस्तों मैसेज देने से पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, मेरी 2 बेटियां हैं, मतलब पूर्वी शर्मा वो 15 साल की है और शनाया शर्मा मतलब वो है 5 साल की। जब शनाया मेरी जिंदगी में आई दोस्तों तो जिंदगी में चमत्कार हो गया। जब बड़ी बेटी आई थी तब मैं नेटवर्किंग में आया, जब छोटी बेटी आई थी तो मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। तो दोस्तों मोदी केयर को एज ए बेटा मैंने पाला है दोस्तों। 5 साल में मोदी केयर ने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े यू टर्न ला दिए। अभी तो दोस्तों मैंने जैसे पहले भी बोला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सफर शुरू है दोस्तों। और मैसेज मेरा यही है कि आज जो भी दोस्त ये मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये मैं आपको क्लियर बोल दूं, ये अच्छे कर्मों का फल है मोदी केयर। बहुत सारे दोस्त मोदी केयर में आके मोदी केयर छोड़ के चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके हाथ में क्या आ गया और क्या छूट गया दोस्तों। इसलिए अपनी अपलाइन के साथ टाइट कम्युनिकेशन रखो दोस्तों, सिस्टम को इतना अडॉप्ट करो दोस्तों, अपने ऊपर नहीं सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ो दोस्तों। सिस्टम के साथ जब आप लोगों को जोड़ोगे, लोगों का विजन बनेगा, लोग सीखेंगे और दोस्तों लोग इसमें कमाएंगे। जब लोग कमाते हैं ना दोस्तों, उनके घर में पैसे आते हैं ना, जब 9 तारीख को उनके घर में चेक आते हैं दोस्तों, उनके जो फेस पे जो मतलब एक्साइटमेंट है, जो फीलिंग्स, खुशी की फीलिंग, उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। ये नेटवर्किंग बिजनेस में ही है, मोदी केयर बिजनेस में ही है जो ऐसी बात है दोस्तों। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी मेरी दोस्त ये मतलब देखेंगे मेरी वीडियो, मैं यही बोल रूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है मोदी केयर को बिल्ड कीजिए, बढ़िया तरीके से बिल्ड कीजिए। 2 साल सीखिए, 2 साल सिखाइए और सारी जिंदगी सारी टीम रल के कमाइए। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों मोदी केयर। आज ही मिस्टर समीर मोदी ने लाइव सेशन किया, इतना बड़ा विजन दे दिया उन्होंने, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में मतलब मोदी केयर जा रहे हैं दोस्तों। हमारी तो लॉटरी लगी है, मतलब हमने तो अच्छे कर्म किए हैं। मोदी जी तो चिराग है दोस्तों, अलादीन का चिराग है, रगड़ना सिखाया जाता है। अभी तो कोरोना टाइम में मिस्टर मनीष चोपड़ा का थैंक यू, जिन्होंने हमको जूम करना सिखा दिया। अब तो सारी जिंदगी जूम जूम हो गई है, पहले तो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते थे, आज घर में बैठ के दोस्तों ये यूट्यूब लाइव सेशन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच मनीष चोपड़ा जी, पूजा चोपड़ा, जिनकी वजह से ये जिंदगी में इतना बड़ा यू टर्न आया। हम देना नहीं दे सकते सारी जिंदगी, हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां अपनी अपलाइन का देना नहीं दे सकती दोस्तों। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। जैसे एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी को मतलब अपनी मदर से ही खुराक मिलती है ना, ऐसे है अपलाइन का रोल। अपलाइन का रोल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा है दोस्तों। डाउनलाइन चाहे जितनी मर्जी आ जाए, जिंदगी आएंगी जाएंगी, लेकिन दोस्तों आप अपलाइन नहीं चेंज कर सकते। माँ प्यो और अपलाइन आपको एक बार ही मिले, और दोस्तों केयर कीजिए इनकी,
जब आप इनकी केयर करनी शुरू कर दोगे ना, ये आपकी केयर करेंगे। और मोदी केयर दोस्तों केयर करने का ही बिजनेस है। पहले खुद की केयर करो, अपनी टीम की केयर करो, अपनी फैमिली की केयर करो, और सारे फैमिली मोदी केयर फैमिली की केयर करो, और सारे बढ़ते जाएं, सारे सभी के लगे घर में खुशियां आए, मेरा यही मैसेज है। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच विवेक जी और मोना जी, आप स्पेशल आज इस सेशन में आए मिलर मीट के अंदर, और आपने अपना एक्सपीरियंस, आपने अपनी सफलता की जर्नी शेयर की, तो थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट लीडर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।